आप सभी को ये पता होगा कि हवाई जहाज में कोई हथियार या कोई भी ऐसा सामान नहीं ले जा सकते हैं जिससे हवाई जहाज या उसमें बैठे यात्रियों को कोई परेशानी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के पायलट के पास हमेशा एक कुल्हाड़ी रहती है? ऐसा इसीलिए होता है ताकि किसी आपातकाल के समय काम में इसका प्रयोग किया जा सके। कई देशों में कानून के मुताबिक पायलट को उड़ान भरने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि उन्हें अपने हवाई जहाज के कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी रख ली है या नहीं। आमतौर पर पायलट के पास रहने वाली कुल्हाड़ी एक साधारण लकड़ी काटने वाली नहीं होती, बल्कि यह छोटा सा पोर्टेबल औजार होता है जिसे केवल हवाई जहाज के कॉकपिट में ही रखा जाता है, ताकि जहाज में आग लग जाने पर या दरवाजा अटक जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतनी ऊंचाई से और लगभग 250 की स्पीड से जब हवाई जहाज लैंड करता है तो उसके टायर फटते क्यों नहीं, या मोबाइल को फ्लाइट मोड पर क्यों लगाना जरूरी होता है? ऐसी और मजेदार जानकारी के लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए गुरुशाला के साथ।